हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक के सिंह। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी पे। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म डेट इज अनअकैडमी आप सभी का स्वागत करता है। सो दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर के लिंक्स आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, ठीक है। बी द फर्स्ट टू वन रिपोर्ट और अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज, ठीक है। एंड रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अन अकेडमी ने लॉन्च किया दो कोर्स, आइकॉनिक एंड प्लस। इन प्लस यू विल गेट लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर कोर्स। इन आइकॉनिक यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस, ओके, यस, ठीक है जी। तो याद रखेंगे, पर्सनली गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, ये सारे फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा देखेंगे प्लस में, आप देखेंगे 12 मंथ, 24, 36 मंथ के कोर्स, उनकी फीस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। आफ्टर यूजिंग माई कोड दीपक वन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। माई पर्सनल मेंटरशिप और मेरे पर्सनल नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। जो आफ्टर 10% डिस्काउंट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक 12 मंथ का जो 49,500 और 44,550 हो जाएगा, सेम यहाँ पे है। आइकॉनिक में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दीपक वन कोड यूज करना है, ठीक है, फॉर गेटिंग द बेनिफिट। इसके अलावा देखेंगे माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, ऑप्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कोड दीपक वन एंड गेट 10% डिस्काउंट। क्लियर है, आपके आंसर राइटिंग का पर्सनल इवेल्यूशन भी मैं ही करूंगा। इसके अलावा देखेंगे एक्सटेंडेड कोर्स, लाइक वन ईयर का प्लान वैलिड टिल 2022 एंड टू ईयर का प्लान जो है वैलिड टिल मेंस 2023। तो अगर आप वन ईयर या टू ईयर कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको मेंस तक वैलिडेशन मिलता है जो कि 4 मंथ प्लस होता है, ठीक है। तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा देखेंगे अगर आप ऑप्शनल के साथ में सब्सक्राइब करते हैं 25% डिस्काउंट, ठीक है, एंड यूज माई रेफरल कोड फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, 100 ओनली। वीकली वन ऑन वन पर्सनल मेंटरिंग अवेलेबल है बाय द टॉप मेंटर्स ऑफ अन अकेडमी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे लोन फॉर यूपीएससी, जीरो प्रोसेसिंग फी, जीरो इंटरेस्ट रेट, अप्रूवल इन 2 आवर्स। आप अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप लोन के लिए भी अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक का, ठीक है, ये भी आपको अवेलेबल होता है। आपसे बुक हिंदी में भी मिलेंगी आपको, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी मिलेगा, क्लियर है, यस। इसके अलावा देखेंगे बच्चों वन ईयर बैच, टू ईयर बैच, फिनिक्स रिवीजन बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इन बैच को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब करें बिफोर 23 जून एंड गेट बेनिफिट। पाथ फाइंडर राइज वर्ल्ड अफेयर टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए दीपक वन कोड यूज करें। एवरी संडे यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, इन अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट 11 AM, ठीक है। इनरोल करने के लिए फ्रीली इनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड दीपक वन। इसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अन अकेडमी विल प्रोवाइड यू 80 टेस्ट एवरी ईयर, ठीक है, क्लियर है, जिसमें करीब 30 टेस्ट मेंस के होंगे, बाकी टेस्ट प्रीलिम्स के होंगे। टॉप एजुकेटर्स इस टेस्ट को बनाएंगे, ठीक है, और कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर साल आपको 80 टेस्ट मिलेंगे, क्लियर है, ये अनाउंसमेंट आज ही है। और ये आपको वन ईयर के या टू ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ में फ्री है, मतलब वन ईयर या उससे ज़्यादा का जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आपको ये फ्री है, ठीक है। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पे, ठीक है। चलो जी हाँ, सो द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द करेंट अफेयर पार्ट, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी का करेंट अफेयर पार्ट है, दैट बिकम वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अभी मैंने एक करेंट का मुद्दा उठाया है, ठीक है, वो मुद्दा ये है, कभी रिसेंट अगर आप देखेंगे तो जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, ठीक है, ग्लोबल डेवलप्ड मार्केट्स, वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड्स है, ठीक है, वो राइज कर रही है, क्लियर है। और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे प्रेशर क्रिएट होगा,
ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना है, जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंटिन्यूड राइज इन द यील्ड्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, हाँ जी, पूछ रहा था कंटिन्यूड राइज इन द यील्ड्स, यील्ड्स मतलब बॉन्ड यील्ड, ठीक है, इन द डेवलप्ड मार्केट मे पुट मोर प्रेशर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड यील्ड होता क्या है, ठीक है। बहुत से बच्चे इकोनॉमी पढ़ते तो हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि बेसिक क्लियर नहीं होता, रट लेते हैं। किसी ने बोला कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट में ये चेंज होगा, यील्ड ये होगा, लेकिन ये समझते नहीं कि यील्ड आखिर होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉन्ड यील्ड होता क्या है, फिर ही हम इस क्वेश्चन के आंसर राइटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द बॉन्ड यील्ड, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं बॉन्ड यील्ड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स क्लियर है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आंसर राइटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है, क्लियर है। तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड जो होता है ना, दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है, मार्केट से बोरो करने के लिए जो सिक्योरिटी उसी हम कहते हैं बॉन्ड, क्लियर है। अब मान लो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया $1,000 का, ठीक है, $1,000 का गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, और गवर्नमेंट ने बोला कि ये बॉन्ड 10 ईयर तक के लिए, ठीक है, कब तक के लिए, 10 ईयर तक के लिए, ठीक है। इस बॉन्ड को परचेज करने में, ठीक है, जो $1,000 का ये जो बॉन्ड है, इसको परचेज करने में पता चला कि गवर्नमेंट ने बोला कि यील्ड आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा $5, ठीक है, या $50 कर लेते हैं, $50 आपको यील्ड मिलेगा, क्लियर है। तो अब यील्ड मतलब क्या होता है कि व्हाट द इन्वेस्टर गेट ऑन द बॉन्ड, ठीक है, समझेंगे, ठीक है, यस, अगर समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि $1,000 का बॉन्ड है, ठीक है, 10 ईयर के लिए बॉन्ड गवर्नमेंट ने निकाला, आप अट्रैक्ट हुए, आपने इस बॉन्ड को परचेज कर लिया, इस बॉन्ड में लिखा है कि आपको $50 जो यील्ड है वो आपको मिलेगी। तो $50 यील्ड का मतलब क्या है कि आपको पहले 10 साल तक लगातार, ठीक है, इनटू 10 ईयर आपको $50 तो मिलेंगे ही, और आफ्टर 10 ईयर आपका ये $1,000 का बॉन्ड भी आपको वापस, मतलब ये $1,000 भी आपको वापस मिल जाएंगे, क्लियर है। और इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड यील्ड। तो मतलब जो ये $50 पर ईयर जो एनुअल जो इनकम कर रहा है पर्सन इन्वेस्टर, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड यील्ड। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है, हाँ, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बॉन्ड यील्ड इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट होता है, समझ रहे हो आप, ठीक है, क्लियर है, हाँ, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है जी। तो चलिए, ये अभी आपको समझ में आ गया, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी देखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से यूपीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। 1000, ठीक है, और फिर $50 ईच, तो ये बोल देगा आपको $600, ठीक है, और दोनों मिला के 1600 डॉलर। अगर कोई बोलेगा कि ये बॉन्ड यील्ड है तो बिल्कुल गलत है, आप कभी भी इसको बॉन्ड यील्ड मत एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी बॉन्ड यील्ड नहीं है, क्लियर है। ओनली व्हाट द इन्वेस्टर गेट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओनली व्हाट द रिटर्न गेट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय द इन्वेस्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड उसकी इनकम वहां पे क्या हुई है, क्लियर है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो कई सारे फैक्टर निकले, सबसे पहला कौन इशू करता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इशू करता है इसीलिए क्या है, सिक्योर्ड है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जो इशू करता है उसी को बॉन्ड कहते हैं। अब इसके यील्ड में क्या चेंज आएगा, टेल मी,
इसके यील्ड में चेंज कब आएगा, ठीक है बताएं, क्लियर है, इसके यील्ड में क्या चेंज आएगा, कुछ आप बता सकें या कब चेंज आएगा? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि 1000 पे, ठीक है 1000 पे 50 जो है, ठीक है क्या हम कह सकते हैं कि 1000 का जो 50 है ये 5% हुआ, बताइए कह सकते हैं हम लोग ये 5% हुआ? टेल मी, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने 1000 का खरीदा था बॉन्ड, ठीक है, जिनमें इनको $50 पर मंथ पर ईयर 10 ईयर तक मिलेगा यील्ड, क्लियर है। तो ये पर्सन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड निकला, बोला यार बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो बोले ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब यहां से डेवलपमेंट क्या शुरू होगा, ठीक है हाँ, यहां से डेवलपमेंट क्या शुरू होगा कि मान लो सेम टाइम स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ गया, और जैसे ही स्टॉक मार्केट में बच्चों प्रॉब्लम आया तो जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल कर कहां लगाना चाहेगा, बॉन्ड में। मान लो मिस्टर ए का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो मिस्टर बी ने परचेज कर लिया, तो मिस्टर ए मूर्ख थोड़ी ना है कि इस बॉन्ड को $1000 पे इसको बी को दे देगा, नहीं ना, तो मिस्टर ए क्या करेगा, इस जो मतलब बॉन्ड है, ठीक है, ये इसको वो देगा करीब 1020 रुपीज में, आर यू गेटिंग द पॉइंट, $1020 में। अब अगर $1020 में ये इसको बॉन्ड देता है तो इसका यील्ड कितना हो जाएगा, बताइए इसका यील्ड कितना हो जाएगा, यहां पे $50 था, ठीक है, लेकिन इसने डॉलर के 20 रुपीज ज्यादा दिए, तो अब इसका यील्ड कितना डॉलर बचेगा, $30। आर यू गेटिंग द पॉइंट, इसका यील्ड कितना ज्यादा होगा, $30। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो जब भी मार्केट में बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज होगी, यील्ड क्या हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है। एज इन द मार्केट द डिमांड ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, द यील्ड ऑन द बॉन्ड डिक्रीजेस, क्लियर है, यस रिड्यूस हो जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, अभी क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ बताइए, बॉन्ड अभी क्लियर हो गया तो फिर आगे हम लोग आंसर राइटिंग करें, ठीक है, हाँ क्लियर होना चाहिए, जी हाँ, चलो ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूड राइज इन द यील्ड इन द डेवलप्ड मार्केट मे पुट मोर प्रेशर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, डू यू हैव टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, दिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द बॉन्ड यील्ड, ठीक है, आपको यहां पे बॉन्ड यील्ड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, व्हाट इज बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे, तो बॉन्ड यील्ड आप एक्सप्लेन करने में कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है, डिफाइन द बॉन्ड यील्ड्स, और इसको डिफाइन करने के बाद एक डेटा दे दीजिएगा जो मैं आपको दे रहा हूं, इंडियन मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड है वो 6% से ग्रोथ कर गया 6.2% पे, और ग्लोबल अमेरिकन जो बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, वो 0.31% से राइज कर गया है 1.30%, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है, व्हाट यू टॉट या व्हाट यू गेट, ठीक है बिल्कुल सही है, उसको ₹50 ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था कि उसका बेनिफिट केवल 30 का होगा क्योंकि उसका बॉन्ड जो है ना वो 1020 का है, क्लियर है, ये मैंने बोला था, तो थोड़ा पीछे की बातें भूल के ना यहां सीखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है, इसको ₹50 ही मिलेगा बट बेनिफिट कितने का दिखेगा, 30 का दिखेगा, ठीक है, दैट वॉज दी माई पॉइंट, ठीक है, वो लेबल बड़ा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको, इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब ये बात बताओ, क्या इंडियन मार्केट में जो बॉन्ड की यील्ड है 6% से 6.2% गया, अमेरिकन मार्केट में 0.31% से 1.30% गया, तो क्या ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा, बताइए क्या ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, टेल मी फास्ट, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा,
बताएं जी, क्लियर है जी। तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो यहीं से जो प्रॉब्लम राइज होंगी उसी को मिडिल बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। इफ यू वांट टू राइट इन द डायरेक्ट, ठीक है, फॉर्म, तो डायरेक्ट में लिख दीजिएगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहला आप यहाँ पे बॉन्ड यील्ड को अच्छे से डिफाइन कर दें, ठीक है। बॉन्ड यील्ड होता क्या है वो बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बॉन्ड यील्ड को जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे बस सिंपल लिख देंगे, ठीक है, कि जो इन्वेस्टर रिटर्न पाता है उसे हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन लाइक दैट। सेकेंड यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल, वो $1,000 वाला एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर देना, और फिर नीचे एक नोट डाल देना। क्या डाल देना? नोट डाल देना। क्लियर है कि भाई साहब जो बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, मे वेरी टाइम बाय टाइम, ठीक है, या फिर मे वेरी, या फिर बॉन्ड यील्ड मे चेंज, ठीक है, बाय चेंज इन द डिमांड ऑफ द बॉन्ड। लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, बॉन्ड यील्ड रेट मे चेंज, ठीक है, बाय चेंज इन, ठीक है, बाय चेंज इन डिमांड ऑफ बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, दो दो लाइन के, ठीक है, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, 150 में लिखना है। तो पहले ये एक्सप्लेन करना है, फिर आपको लिखना है फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड यील्ड्स। क्यों? क्योंकि जब तक आप इफेक्ट नहीं समझोगे तब तक कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इंडियन मार्केट को लॉस होगा, ठीक है। तो कौन से फैक्टर बॉन्ड यील्ड को अफेक्ट करते हैं बताइए। तो पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन, और दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। क्या मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट राइज होगा, ठीक है, बताइए, मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट होगा बताएं, बताएं। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टेल मी। देखो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लोग ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, ठीक है। अब अगर स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो बॉन्ड यील्ड की डिमांड कम होगी, ठीक है, समझना, यील्ड की डिमांड, बॉन्ड की डिमांड कम होगी। और हमने देखा कि बॉन्ड की डिमांड जब कम होगी तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगा। लेकिन अगर सडन इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट किधर मोड़ देंगे, बॉन्ड की ओर। और जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, कम होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कनेक्टिंग, ठीक है, वरना फिर मजा नहीं आएगा। देखो भाई, कनेक्ट करो, मजा नहीं आएगा। देखो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दोनों काम हो जाएंगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आंसर राइटिंग में हम ये मान के चलते कि बच्चों को आता है, ठीक है, लेकिन हम ये मान के चलते कुछ नहीं आता है, वहां से पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट बता सकता था, 10 मिनट का लेक्चर था, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड जो है, ठीक है, बॉन्ड की डिमांड कम होगी, और जब बॉन्ड की डिमांड कम होगी, ठीक है, तो यील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? और जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, और बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो यील्ड रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है बॉन्ड यील्ड को, सेकेंड फैक्टर है इन्फ्लेशन का, ठीक है, इन्फ्लेशन का। आइए इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हो रखा है, कम हो रखा है, लो हो रखा है। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम में यही कंडीशन क्या होगी, लगेगी। लेकिन क्या इस इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के पीछे
आरबीआई की मनी पॉलिसी, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मनी सप्लाई, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी जिम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिम्मेदार है? ठीक है, क्या यहां पे रिसेशन या कोरोना कोविड-19 जिम्मेदार है? बताएंगे तो कोविड-19, ठीक है, या फिर वी कैन से रिसेशन, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, विल लीड टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, एंड इफ द इंटरेस्ट रेट राइज द डिमांड ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस एंड यील्ड राइज, ठीक है, यस, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, बॉन्ड इंक्रीज एंड यील्ड डिक्रीज। क्लियर है? तो आपको इन फैक्टर के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है, तब हमारा ये हेडिंग पूरा होगा जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड यील्ड। दो पैरामीटर डिफाइन करना है, ठीक है, एक में आपको पूरा बता देना है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का, नीचे ये बता देना है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है रेट, ये दोनों वेरी करता है टाइम बाई टाइम, ठीक है, बाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टिमुलस, या फिर इन सब चीजों के साथ में, ठीक है। हाँ चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ये दिखाना है कि ये तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे राइज इन यील्ड, ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, तो ये तो सबसे पहले लास्ट हेडिंग इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है। हाँ अब बच्चों स्टॉक मार्केट में कैसा इंपैक्ट होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है, जस्ट इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है। चलो आई माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, स्टॉक मार्केट पे पूछा है, ठीक है, तो एक तरफ हम ले लेते हैं बॉन्ड मार्केट और एक तरफ हम ले लेते हैं स्टॉक मार्केट। क्लियर है? अच्छा सबसे पहले क्या बॉन्ड मार्केट सिक्योर होता है? बिल्कुल। ये क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। क्लियर है? अच्छा अब अगर मार्केट में बॉन्ड यील्ड डेवलप करेगा, मतलब बॉन्ड यील्ड अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा तो मोर सप्लाई या मोर इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा? बॉन्ड मार्केट में, ठीक है, तो व्हेन एवर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज, मनी फ्लो फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू, मनी फ्लो फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू बॉन्ड मार्केट। क्लियर है? गवर्नमेंट के पास मनी जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? बताइए, क्लियर है? बताइए समझ में आ रहा है? तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है इन्वेस्टर्स, ठीक है, हैज मूव देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू गवर्नमेंट या सॉरी बॉन्ड मार्केट या इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर होगा? तो क्या इसको करने के बाद में जो थर्ड इफेक्ट आएगा वो आएगा कि यहां पे फंड की कमी हो जाएगी, लेस फंड हो जाएगा, बताइए, और जब लेस फंड होगा तो इसको बोरो करना पड़ेगा, जो भाई स्टॉक मार्केट में कौन है? इंडियन कंपनीज हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कौन है? इंडियन कंपनीज हैं। तो इंडियन कंपनीज को क्या यहां से बोरो करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि अब तो पैसा आसानी से आ रहा था जब तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो आपको बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा कहां जा रहा है? बॉन्ड मार्केट में। तो जब आपको बोरो करना पड़ेगा तो क्या आपके बोरो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे? बताइए। तो क्या हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज इन बोरोइंग एक्सपेंस, बोरोइंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेंस मत लिखिए, कॉस्ट लिखिए, बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होगा? बताइए। उसके बाद फिर क्या प्राइवेट सेक्टर के पास में लेस मनी बचेगा? लेस मनी टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसके अलावा अगर बॉन्ड यील्ड होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट से, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट से बॉन्ड यील्ड वापस की ओर जाएगा,
डेवलप्ड बॉन्ड यील्ड, डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट की ओर, डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीज बॉन्ड मार्केट, ठीक है। और जब पैसा इनकी ओर जाएगा तो इंडिया की स्टॉक मार्केट को क्या होगा, लॉस होगा, ये आपको यहां पे बताना है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, यस, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो यहां पे आपको ये एक्सप्लेन करना है, इन कंक्लूजन यू हैव टू जस्ट क्लियर, यही स्टेटमेंट लिख देना है और इसी स्टेटमेंट को जोड़ के बता देना है कि कंटिन्यूड राइज इन द यील्ड्स इन डेवलप्ड मार्केट में पुट मोर प्रेशर ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट, और आफ्टर सम टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में मनी का फ्लो नहीं होगा, बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर पे निगेटिव इंपैक्ट डेवलप होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब इसे लिख लेंगे। इकोनॉमी की आंसर राइटिंग बहुत ईजी होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ज्योग्राफी और इकोनॉमी सबसे ईजी आंसर राइटिंग होती है, सबसे टफ होता है क्या मालूम है, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स की आंसर राइटिंग, हिस्ट्री की आंसर राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे गवर्नेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है, ये थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अगर आपको टर्म्स मालूम है तो ईजिली यू कैन एक्सप्लेन। अब 150 शब्द हम लोगों ने इस पर लिख लिया, ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्लियर है, हाँ, चलिए, बस कुछ नहीं कि लिखना है, सिंपल से लिखना है कि राइजिंग द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक, इंडियन कंपनीज, फॉर इंडियन कंपनीज, ठीक है, और दैट विल लीड टू फॉल इन द स्टॉक मार्केट और निगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अब जैसे मान लो कि इंडिया नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इंडिया अगर नहीं कर रहा चलेगा, दूसरे देश में अगर बॉन्ड मार्केट यील्ड होगा तो हमारा पैसा वहां भी तो जाएगा, ठीक है, और खासकर डेवलप्ड इकोनॉमी में जब बॉन्ड यील्ड होता है तो काफी सिक्योर्ड होता है, और डेवलप्ड इकोनॉमी का पैसा ही एफडीआई एपीआई में हमारे यहां आता है, क्या एपीआई हमारा कम हो जाएगा, एपीआई नॉट एफडीआई, एपीआई कम हो जाएगा, बताइए, इफ डेवलप्ड मार्केट बॉन्ड यील्ड कंटिन्यू इंक्रीजेस, ठीक है, देन द एफपीआई इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, हैज मूव टुवर्ड्स द डेवलप्ड मार्केट, क्लियर है। तो यहां से स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यस 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 जी। चलिए नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, डेट बिकम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉट ओनली सॉ अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो मार्क्ड फंडामेंटल चेंज इन द अप्रोच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इलेबोरेट, ऑल्सो एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट ऑन फ्यूचर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसको 200 शब्दों में लिखना है, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो तो आपको खुश होना चाहिए, जब आप यूपीएससी का मेंस का पेपर देना और क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे ना, झूम जाओ, नाचने लगो, पढ़ो मत, अगर क्वेश्चन 3-4 लाइन में है तो खूब डांस करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप बाजी मार लोगे, क्यों, क्योंकि आधा आंसर तो ये क्वेश्चन में ही लिख डालते हैं, मतलब आधे कीवर्ड तो ये क्वेश्चन में लिख डालते हैं, हमें करना ही क्या है, ठीक है, तो हमें उस पर खुश होना चाहिए, क्लियर है। तो आइए एक्सप्लेन करता हूं मैं इस पॉइंट को, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बस ये बता देना है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, क्या बच्चों, ये जो राइज हुआ था इसके पीछे मेन कॉज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग मसेकर, आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जलियांवाला बाग मसेकर, रॉलेट, ठीक है, रॉलेट एक्ट था इसके पीछे कि नहीं था बताएं, ठीक है, हंटर कमीशन था कि नहीं था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, जलियांवाला बाग,
रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन, इसके अगेंस्ट में राइज हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? क्वेश्चन की डिमांड यही है, तो यू हैव टू राइट लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉट ओनली सॉ अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो मार्क द फंडामेंटल चेंज इन द अप्रोच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन पॉइंट तो ऐसे ही बन गए। लो भाई, कह रहा ना बड़े क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर दे देता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्टर। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देना है। सेकेंड दे देना है चेंजेस इन द अप्रोच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, थर्ड दे देना है जो लास्ट लाइन पूछ रहा है कि इंपैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, ऑन फ्यूचर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, सब इन्होंने यही पूछ लिया है, तो कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। इंपैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, ऑन फ्यूचर मूवमेंट, ठीक है, फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल, बस समझ जाइएगा। ठीक है, भावनाओं को समझो, बाकी सब तो चलता है। ठीक है, चलिए, तो क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करोगे? ऐसी शुरुआत करना जहां पे सबके साथ जो बुरा हुआ सब दिख जाना चाहिए। एक चीज और, रुको, ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश ने बुरा किया था कहां पे, खिलाफत, ठीक है, एंड विद द सपोर्ट, यहां पे प्लस लगा देना, विद द सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत के सपोर्ट में आया था, क्यों मालूम है आपको? अब आप बोलोगे कि सर इसका इंट्रोडक्शन तो हम बहुत अच्छा लिख सकते थे, हम तो कलेक्टर है सर, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि सर, हम तो इसका ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखते कि यूपीएससी वाला देख के कॉपी चूमता, फिर भाई साहब हमें ले लेता और बोलता आज से आप सेक्रेटरी हो, कल को प्रधानमंत्री भी बना देता। ठीक है, आईएएस की पोस्ट छोड़ के बोला तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भावनाओं को कंट्रोल में रखना, इंट्रोडक्शन वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में आगे लिखने जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एक गीला कपड़ा है पानी में डुबोया, निकाला, अब उसको ऐसा मोड़ा, अब जो उसमें से जो पानी निकलना चाहिए, ठीक है, वही होना चाहिए क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बाद में मिडिल बॉडी। तो जो भी क्वेश्चन की मिडिल बॉडी में यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, उसके इधर इंट्रोडक्शन, इधर कंक्लूजन सेम जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब भी क्वेश्चन आप देखो तो सबसे पहले मिडिल बॉडी बनाओ तो इंट्रोडक्शन समझ में आएगा लिखना क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कलेक्टर बैठे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, अब आधा घंटा बिता दिया, बोला ऐसे करने, मतलब माता पिता एक दो बार देख ले तो आंखों में आंसू आ जाए कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट करूं भाई। ठीक है, बच्चा ये नहीं समझ में आ रहा इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट करूं, ऐसे ऐसे सोच रहा है, जैसे लगा मतलब न्यूटन के बाद यही है। ठीक है, बाद में मतलब इससे टॉप है, टॉप मतलब यूपीएससी वाले इसको ना घर से उठा के ले जाएंगे, ऐसा थिंकिंग में लगा है। क्यों? अब ऐसे वो ऐसे सोचते रहते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मुझसे पूछा, ठीक है, हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी मयंक ने पूछा सर टेलीग्राम पे कि सर इतना कंटेंट अवेलेबल है, हर कोई पढ़ता है, तो सबका यूपीएससी क्यों नहीं निकलता? बस इसीलिए, क्योंकि 90% बच्चा हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे की जाए, और टॉपर क्या सोचता है, मिडिल बॉडी में ये लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। बस यही तो फर्क है, दरवाजे के इस पार, दरवाजे के उस पार, समझ रहे हो, क्लियर है, यही फर्क है। ठीक है, आज बताया था ना आपको, बहुत अच्छे से समझाया था ना, इश्क और हुस्न के बीच का जलवा, ठीक है, इश्क का जो के नजारा मुक्त में बदनाम है, ठीक है, हुस्न तो बेताब है जलवा दिखाने के लिए, तो बस यही लाइन है। ठीक है, क्लियर है, बस यही लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, कि आप तो मतलब ऐसी बदनाम हो, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर आपको चिल्ला रहा है कि एक बार क्वेश्चन के हुस्न को तो देखो, ये हुस्न बीच में है,
ठीक है, जो आपसे बोल रहा है कि इधर देख भाई आंसर इधर है, लेकिन इश्क हो रखा है इंट्रोडक्शन से, मिडिल बॉडी में जा ही नहीं रहे हो, तो एक बार मिडिल बॉडी में और आ जाओ, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर मजा आएगा लिखने में। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मिडिल बॉडी में आपको क्या लिखना है कि सभी सोशल सेक्शंस ने, जो ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कौन होगा? इंडिया में, ठीक है, एक होगा आपका कांग्रेस, ठीक है, दूसरे होंगे यूथ, ठीक है, तीसरा होगा अनटचेबल पीपल्स, चौथा होगा मुस्लिम पीपल्स, पांचवा होगा ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। अब ये पांच कहां से आएंगे? ये आखिर ये क्यों मजबूर हो गए? क्यों नॉन कोऑपरेशन इंडिया का पहला बिग मास मूवमेंट कन्वर्ट हुआ? आखिर ऐसा क्या देखा इसमें? क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने पहले समझा दिया है कि दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्स स्पॉट में जो गलत हुआ, जलियांवाला बाग जो गलत हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट में जो गलत किया गया, हंटर कमीशन ने जो अनदेखी की, और खिलाफत में जो हुआ, इन सबके सपोर्ट में राइज हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दैट्स व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सॉ द अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यू हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स हियर माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, क्लियर है, समझ रहे हैं? तो अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस यू हैव टू मेंशन। यूथ पार्टिसिपेशन, मोतीलाल नेहरू सियादस ने बैरिस्टर का पद छोड़ दिया, बैरिस्टर की पोस्ट छोड़ दी, यूथ का पार्टिसिपेशन हुआ, मुस्लिम्स आल्सो सपोर्टेड, ट्राइबल क्लास आल्सो सपोर्टेड, अनटचेबल, फर्स्ट टाइम इन नागपुर सेशन कांग्रेस टॉक अबाउट द मूवमेंट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ठीक है, टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द अनटचेबल्स। ट्राइबल पीपल्स ऑल्सो मेक द मिलिट्री सपोर्ट, सॉरी मिलिट्री फॉर्मेशन अगेंस्ट द फोर्स लेबर एंड एक्सप्लॉटेशन, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स लेबर एंड फॉरेस्ट लॉ। So you have to define these points. Clear है? Are you getting my point? ठीक है, बस ऐसा लिखिएगा, फिर देखिए चार चांद लग जाएगा। कौन रोकेगा भाई, कौन रोकेगा आपको? अब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, आईएनसी के अप्रोच में क्या चेंज आया? तो बिल्कुल मत घबराइए, यहां से नहीं निकालना है। क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी का पहला मास बोला जाए तो मूवमेंट था, और गांधी ऑल इंडिया लेवल पे, और गांधी का ये पहला कंट्रीब्यूशन भी था टुवर्ड्स कांग्रेस। तो जो कांग्रेस के अप्रोच में चेंज आएगा, ठीक है, वो गांधी की वजह से आएगा। तो क्या चेंज आएगा? तो पहली बार कांग्रेस विलेज लेवल पे जाएगी, ठीक है, पहली बार कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल, लिख लो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मीन्स लेकर अभी चल रहे ना मॉडरेट, कि हम We want to change the society by the interference of the government. Constitutional means of the change. वो change हो जाएगा peace and legitimate change. ठीक है, legitimate change. ठीक है, yes. ये किसका legitimate means. ठीक है, ये concept किसने दिया था? महात्मा गांधी ने. ठीक है, yes. So that person is called peace and legitimate means. Do you have to explain this second point? The third point, ठीक है, mass participation in the Congress just because of the महात्मा गांधी। तो ये तीन approach हुए थे change Congress में, ठीक है, after the non-cooperation movement। और फिर आपका last question है कि impact the movement on the future struggle। तो आपको देखा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक ही पैरा लिखना है, इसका एक ही impact पड़ेगा क्या? पहली बार देश ने मास मूवमेंट का रस चख लिया था, जो आगे के फ्यूचर जो मूवमेंट होंगे उसमें मास सपोर्ट का बेस क्रिएट होगा। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट मतलब अच्छा नहीं होता, तो वी कांट इमेजिन द सीडीएम एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक सब अच्छा गया, इसी वजह से हमने सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट को हमने अच्छे से देखा, क्लियर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस of the non-cooperation movement. You have to write only this point, ठीक है,
और बस आपका आंसर काफी परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख दीजिएगा एक थोड़ा सा जोड़ जाड़ के, ठीक है, कि फ्यूचर गांधीयन मूवमेंट, ठीक है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द रियल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अंडर द गांधीयन फेज, ठीक है, आफ्टर दिस फेज, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947 बाय द गांधीयन स्ट्रगल या गांधीयन मतलब आइडियोलॉजी, ठीक है, अंडर द गांधीयन अप्रोच। तो आप बस थोड़ा सा गांधी का अप्रोच लेके लिख देंगे तो चार चांद लग जाएगा, फिर नंबर मिल जाएगा, फिर क्या कहने की बात है। तो ये तीन क्वेश्चन, ये मतलब दो क्वेश्चन हो गए, और ये आपको आज ही लिख के सबमिट करना है क्योंकि आज और कोई क्लास नहीं है, ठीक है। यू लाइक इट, यू लव इट, सो यू हैव टू राइट इट, ठीक है। देखो आप में से कितने बच्चे हैं, देखना सच बताना, बुरा मत मानना, सभी टेस्ट देते थे लेकिन मैंने अभी रिकॉल टेस्ट करवाया, बहुत फेल हुए। उसके पीछे रीजन क्या है, किसी ने भी टेस्ट के बारे में अपडेट नहीं किया था, ठीक है, नो वन गोइंग टू अपडेट, ठीक है, आफ्टर टेस्ट सेम आफ्टर आंसर राइटिंग, या 5-10 मिनट या 1 घंटे लगेंगे ज्यादा ज्यादा अगर कमजोर हो, बहुत अच्छे तो 30 मिनट लगेंगे यार, लिख डालो यार, 4 पॉइंट नए जानोगे, प्रीलिम्स का पेपर क्रैक करोगे, आंसर राइटिंग लिखने में स्पीड आएगी, 4 नए पॉइंट के डायमेंशंस बनाओगे, ऐसे ही तो बूंद बूंद से घड़ा भरे, घड़ा जो आपका घड़ा है वो भरेगा, ये घड़ा आपका खाली, ठीक है, ये ऐसे ही मतलब फिर ऐसे सोचते रहोगे इंट्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो जीवन यहां मत बर्बाद करो, ठीक है, जीवन मेरे साथ बर्बाद करो, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए भाई देखेंगे, दीपक सर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, दीपक कौन कोड यूज करें फॉर गेट 10% डिस्काउंट, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि आगे और भी टीचर्स लेक्चर लेते हैं, बहुत ही ऑसम लेक्चर्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है, मिलते हैं कल सुबह एक और फिलोसफी के साथ में, और कल क्वालिटी का टेस्ट है 150 क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके अलावा माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, अ गुड न्यूज फॉर यू, 26 जून से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या वो इकोनॉमी से इकोनॉमी के लेक्चर में कुछ चेंज है, देखो चेंज कुछ नहीं है, पढ़ाने का तरीका वही है, पढ़ाया वहां भी अच्छा है, वहां से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन लग रहे हैं, बस चेंज ये है कि आप यहां से एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिविजन कर पाओगे, और रिविजन के साथ साथ आप करंट अफेयर को अपडेट कर पाओगे, क्लियर है। और जब जब कोई अच्छा मतलब जब जब चीजें आती हैं तब तब मजा आता है, ठीक है जी हाँ, तब तब जब जब रिपीट होगा और मजा आएगा पढ़ने में, क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।